60 शेयर खरीदे मैंने, इसमें 7,315 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और पैसे डबल हो गए। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने जो पिछले 4 महीने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, उसका मुझे क्या रिटर्न आया है। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस बटन पर क्लिक करके, आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, खोल के रख दूंगा, मतलब कि नहीं कि मैंने कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। ओके, और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप लोगों को मतलब एक तरीके से दिखाने के लिए है। मेरा कहीं से भी ये मकसद नहीं है और मैं कभी ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे स्टॉक देख के, आप मेरा पोर्टफोलियो देख के आप सेम में स्टॉक मतलब इन्वेस्ट कर दो। ओके, मतलब मोटिवेट होके इन्वेस्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अपना दिमाग लगाइए, अपने हिसाब से मतलब यानी स्टडी कीजिए, अपने हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। ओके ओके, तो बस हो गया, डिस्क्लेमर वगैरह हो गया। अब चलिए देखते हैं कि मैंने कौन कौन से मतलब पोर्टफोलियो में मतलब कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, ओके, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा रिटर्न आया है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में। ओके, ये ग्रुप में मैंने लॉग इन कर लिया और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये मेरा रिटर्न है। ओके, एंड कितने लगाया है मैंने, 1,41,000 रुपये, मतलब 23,000 रुपये तक का रिटर्न मिला है मुझे 4-5 महीने में। एंड यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट में आता हूँ एंड अभी मैं आपको शो करने वाला हूँ। क्या शो करने वाला हूँ, अभी मैं आपको शो करने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से स्टॉक में पैसे लगाए हैं। ओके, एंड प्लीज़ 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 दोस्तों, ये सारे स्टॉक में मैंने जो पैसे लगाए हैं वो मैं अपने रिस्क पे लगाया हूँ। और प्लीज़ ऐसा नहीं कि आप ये सारे स्टॉक देख लें और उसके बाद आप खुद जाके लगा दें, लगाओ आप पैसे लगाओ, लेकिन अपने रिस्क पे लगाओ, मेरे बोलने पे या फिर किसी और के बोलने पे मत लगाओ, खुद का ब्रेन यूज करो और इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये मार्केट प्राइस अभी जो चल रही है स्टॉक की वो दिखती है, यहाँ पर टोटल रिटर्न दिख रहा है एंड यहाँ पर वैल्यू दिखती है कि कितना लगाया है, कितना हो चुका है। तो मैंने विप्रो एक मतलब IT कंपनी है, उस पर मैंने 10 शेयर खरीदे थे, स्टार्टिंग में ही मैंने खरीदे थे ये शेयर एंड इसमें मैंने मुझे जो ग्रोथ मिली है 18% की ग्रोथ मिली है और मैंने टोटल 5,580 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जो कि अभी बढ़कर मतलब मुझे 1,020 रुपये बढ़ गए उसके, ठीक है। टाटा मोटर्स मैंने अभी ख़रीदा है, पहले इसके मैंने प्राइस देख रहा था और ख़रीदने की सोच रहा था लेकिन नहीं ख़रीदा तभी इसकी प्राइस बहुत कम थी, मतलब कि तकरीबन अभी देखिए अभी इसकी प्राइस क्या है मैं आपको बताता हूँ, अभी इसकी प्राइस है 507 रुपये। मैंने इसका जब देखा था ख़रीदने का तब इसकी प्राइस तकरीबन थी जून जुलाई अगस्त, मैंने जुलाई में देख रहा था, जुलाई में इसकी प्राइस जब 295 या फिर 300 तक के तकरीबन थी तभी मैं इसको मतलब ख़रीदने की सोच रहा था लेकिन मैं नहीं ख़रीदा और वो मेरी गलती थी, मिस्टेक थी। और फिर उसके बाद अभी मैंने 1 महीना पहले ख़रीदा है इसका शेयर और फिर भी मुझे मिल गया है रिटर्न, कितने रुपए का, 385 रुपए का रिटर्न मिला है। मैंने 15,840 रुपए इन्वेस्ट किए हैं इसमें और मुझे 385 रुपए का रिटर्न मिला है, मतलब 2.43% तक का रिटर्न मिला है। टाटा पावर मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही है और ये मेरा मतलब बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रहा है और जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस पे मैंने इन्वेस्ट करने की सोच रहा था उस टाइम पे जुलाई अगस्त में, लेकिन टाटा पावर में मैंने इन्वेस्ट कर दिया था और यहाँ से ही मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। मेरा दूसरा या तीसरा शेयर मैंने जो ख़रीदा था अपने मतलब लाइफ का वो टाटा पावर का था। 60 शेयर खरीदे मैंने, इसमें 7,315 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और पैसे डबल हो गए। जी हाँ दोस्तों, 7,315 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और मुझे 96.73% का रिटर्न मिला है, मतलब कि ऑलमोस्ट मेरे पैसे डबल हो गए हैं टाटा पावर में मेरे पैसे डबल हो गए हैं और मुझे 7,075 रुपये का रिटर्न मिला है और ये बहुत ही कम टाइम में मिला है, मतलब 4-5 महीने में मेरे पैसे डबल हो गए हैं ऑलमोस्ट। अगर मैंने इसमें 7,000 की जगह अगर मैंने 50,000 डाले होते तो 1 लाख हो गए थे, 2 लाख डाले होते तो 4 लाख हो गए, मतलब आप समझ सकते हो 4-5 महीने में पैसे डबल। ओके, तो ये टाटा पावर का केस है। एक साइड एंड ये मैंने मतलब 1 महीना पहले ही इसका शेयर ख़रीदा है, बैटरी बनाती है ये, तो इसमें मेरे घाटा मिला यार, 2.5% का समझ लो इसमें नुकसान है, चलो होते रहता है। जोमेटो को मैंने शेयर लिया था IPO, जैसे ही इसका IPO में मुझे IPO नहीं मिला था इसका, तो IPO जैसे ही मतलब इसकी इनिशियल लिस्टिंग हुई थी तो मैंने इसका परचेस कर लिया था, 220 शेयर है मेरे पास इसके और 133 रुपया, अभी मुझे शायद 14% का रिटर्न मिला है, 4,000 रुपये मेरे बढ़ गए हैं, 29 रुपये मैंने डाला था, 33,000 हो गया है, 4,000 का प्रॉफिट मिला है मुझे इसमें। लेकिन जोमेटो का प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, ये मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म के लिए किया है, आने वाले 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा,
तो उस हिसाब से मैंने किया है। उषा मार्टिन ये है एक माइनिंग कंपनी है, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। इस पर मुझे समझ लो नाम कि मैंने 6,000 रुपये डाले थे, 8,000 हो गए, 41% का रिटर्न मिला है मुझे। तकरीबन तीन महीना हुआ है इसमें इन्वेस्ट किए, 41% का रिटर्न मिला है। और ये टाटा स्टील BSL है, टाटा के स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है और मैं कोशिश करता हूँ कि टाटा के स्टॉक जितने हो सके उतने खरीदूँ। तो इसमें मैंने 100 शेयर खरीदे हैं, 8,600 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और इसमें मुझे मिले कितना है, और इसमें मुझे मिला नहीं है, इसमें मेरा घाटा हुआ है, इसमें घाटा हो गया, 65 रुपये का घाटा हुआ है। ओके, 70.76% का घाटा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते रहता है, हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा मेरा। और ये भी मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, रतन इंडिया इंटरप्राइज, ये एक कंपनी है जिसमें मैंने शेयर खरीदे थे, 500 शेयर बहुत ही कम प्राइस में खरीदे थे, 28 रुपये में खरीदा था, और इसकी प्राइस हो गई है अभी कितनी, 53 रुपये, और मेरे पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, 92% का मुझे रिटर्न आया है। 14,025 रुपये डाले थे और वो बन गए हैं कितने, 26,950 रुपये। समझ रहे हो, क्रेजी 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 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो ये इन्वेस्टमेंट भी मेरी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट लग रहा है मुझे ऐसा, और 4-5 महीने में ये पैसे डबल हुए हैं मेरे। और यहाँ से मेरे सब बेकार इन्वेस्टमेंट चालू हैं, ये HBL पावर से, इसमें भी 3-4 महीना हो गया इन्वेस्ट किए हुए, पैसा भी माइनस में है। ओके, 39 रुपये मेरा माइनस में है। और रेणुका सुगर, ये सब मैंने जो ख़रीदा था, समझ रहे, बोलते ना कि दोस्त लोग सजेस्ट करते रहते हैं कि भाई ये ले ले, तो उसी में मैंने वाह भाई में ले लिया था, और इसमें देखिए मेरे 15% लॉस में हूँ, 15% लॉस, आप समझ सकते हो, 3,400 डाला था, 2,890 रुपये हो गए। तो ये होता है दोस्तों, आपको स्टॉक में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट, रतन इंडिया पावर। अब इसी का एक भाई है रतन इंडिया इंटरप्राइज, इसने तो मेरे पैसे डबल किए हैं और इसने मेरे पैसे खा लिए हैं। ओके, तो ये बात होती है। इसमें देखिए मुझे 47% का लॉस हुआ है, 7,550 रुपये डाले थे मैं इसमें और मुझे 3,550 रुपये का लॉस हो गया है, समझ रहे। तो 7.55 रुपये में मैंने ख़रीदा था इसको और अभी प्राइस क्या है इसकी, 4 रुपये, समझ रहे, ऑलमोस्ट समझ ले मुझे 50% का लॉस हो चुका है इसमें। तो ये मेरा एक पूरा पोर्टफोलियो है और जिसमें आप देखेंगे तो तकरीबन मुझे 23,000 रुपये तक का मतलब प्रॉफिट है। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ ग्रो एप्लीकेशन में। अगर ग्रो एप्लीकेशन से आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको 100 रुपये मिलेंगे और मुझे भी उसमें 100 रुपये का रेफरल वो मिल जाएगा, मतलब रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो अगर आप मेरी लिंक से डाउनलोड करेंगे तो 100 रुपये आपको मिलेंगे, 100 रुपये मुझे मिलेंगे, आप भी खुश, मैं भी खुश। ओके, तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि मैंने कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा रिटर्न आया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है यार और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो बनाते रहूँ, अब मैं आप बताते रहूँ क्या मैं कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कितना रिटर्न आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इस तरीके की और भी वीडियोज़ बनाऊँगा आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।